दोस्तों फाइनली बीजीएमआई और पबजी मोबाइल के न्यू अपडेट लीक्स आ चुके हैं 3.2 के। एंड यहाँ पर काफ़ी शॉकिंग है कि मेरे को रिवाइव कौन कर रहा है, मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं। एंड यहाँ पर मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई और मैं उड़ पा रहा हूँ साथ के साथ गाड़ियों को लेके भाई कि टोनी स्टार्क जैसे। एंड यहाँ पर साथ के साथ इतने सारे हेयर ड्रॉप्स क्या कर रहे हैं भाई एक साथ। तो भाई वेल यहाँ पर आ चुके हैं न्यू अपडेट एंड मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ इस अपडेट में। एंड ये हमारा कुछ स्पॉन आइलैंड होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगा भाई मेरे को, बिल्कुल ही नॉर्मल है। एंड यहाँ पर आपको दो रोबोट देखने को मिलेंगे। वेल इसकी कुछ पावर्स लग रही है मेरे को एंड ये कुछ मिनी रेड जोन जैसा लग रहा है। आई थिंक एनिमीज़ पर हम डालेंगे तो डैमेज पड़ेगा, वो तो गेम में जाने के बाद ही पता चलेगा कितना डैमेज एनिमीज़ को पड़ता है। वेल यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल लगा, तो स्पॉन आइलैंड तो मेरे को बिल्कुल ही बेकार लगा। अब बात करते हैं प्लेन की, तो प्लेन भाई बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है प्लेन, तो इसके ऊपर से एक स्पेसशिप होता हुआ जा रहा है जो कि प्लेन तो बिल्कुल ही छोटा सा लग रहा है उसके मुकाबले, बट एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जो प्लेन के ऊपर से होता हुआ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मैप से देखने को मिलेंगे जिसमें ये रॉकेट सा बना रहे हैं एंड साथ ही साथ लाल रंग का है जो पाना है। तो ये जो लोकेशन होने वाली है भाई ये तो बिल्कुल कंपलसरी फिक्स होने वाली है, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। वेल चलते अपने इवेंट की तरफ एंड हमारा इवेंट कुछ ऐसा भाई स्पेसशिप की तरह दिखने वाला है। एंड यहाँ पर भाई सबके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि भाई क्या हमें रिकॉल मिलेगा, क्योंकि रिकॉल की हमें सबको ऐसी गंदी आदत लग चुकी है कि सबको रिकॉल चाहिए। वेल गाइस हमें कोई रिकॉल नहीं मिलने वाला। वेल डरने की बात नहीं है, यहाँ पर मैं दूसरे इवेंट पे कूदता हूँ तो भी रिकॉल हमको नहीं मिलने वाला। अब आप लोग काफ़ी डर रहे होंगे, वेल कोई दिक्कत नहीं गाइस, पहले आप पूरा इवेंट देखो, आपको मैं हर चीज़ बताऊँगा, आपको रिकॉल कैसे मिलेगा ये भी आपको बताऊँगा। गाइस ये वाली गलती तो मैंने कर दी भाई, बट आप बिल्कुल मत करना। वेल लूट की बात करें तो लूट काफ़ी होने वाली है क्योंकि मेरे को ऊपर भी लूट काफ़ी देखने को मिल रही थी या नीचे भी, तो लूट के मामले में भाई अलादीन जैसा ही मिलेगा आपको। एंड लूट काफ़ी भर भर के आपको मिलने वाली है। जब तक मैं लूट कर ही रहा था गाइस यहाँ पर मेरे को एक रॉकेट लॉन्चर जैसा कुछ देखने को मिलता है, मैं इसके क्लोज आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ हो मे बी, बट इसमें अभी कुछ हो नहीं रहा था, तो अभी मे बी हो सकता है कुछ अपडेट्स आए इसमें कुछ वर्किंग हो ये चीज़। वेल कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं आगे की तरफ। एंड आगे जाते जाते मेरे को नीचे जाने का एक रास्ता मिलता है एंड मैं नीचे जाता हूं तो मेरे को यहां पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। एंड यहां पर ड्राइव का ऑप्शन आ रहा था तो मेरे को लगा शायद ये कोई नया व्हीकल है। एंड मैं जैसे ही बैठा, जी हाँ गाइस ये एक नया व्हीकल ही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका बूस्ट पावर देखो भाई, बट डैमेज भी काफ़ी पड़ा मेरे को, बट यहाँ पर मेरे को लग रहा है इसकी कुछ पावर्स भी हैं जो कि मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर इसके अंदर एक क्रॉस हेयर सा बना आ गया। एंड इसका क्या यूज़ है भाई, मैं इसको किसी पे करके देख रहा था तो हो नहीं रहा था, मे बी किसी एनिमी पे या फिर किसी कार पे वर्क करे, तो लेट्स सी गाइस ये तो आगे ही पता चलेगा। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था इसमें इसकी स्पीड मैंने देखी तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब हम इसको एज अ व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। एंड ये क्या चीज़ है यार, ये भी कुछ नई चीज़ लग रही है। वेल इसके आगे चल के देखें तो एक बार, ओके भाई ये इसी का ही कुछ पार्ट सा लग रहा है मेरे को, बट है क्या भाई, ये भी एक और व्हीकल है। अब इसका धड़ क्या है भाई, इसके तो पैर है बस खाली यार। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, ये वही व्हीकल है भाई जो हमें स्पॉन आइलैंड में देखने को मिला था एंड ये जो मिनी रेड जोन था ये वही है। वेल इसकी पावर तो मैं आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी पावर है इसकी, कितना एक बार में एनिमी नॉक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पहले इसकी हम रन पावर देखते हैं क्या इसकी स्पीड कितनी है। वेल गाइस इसकी स्पीड तो काफ़ी अच्छी है भाई, 78 हाइएस्ट गई है जो कि अच्छी। अरे एक सेकेंड, अटैच का ऑप्शन, अरे ये क्या हो गया भाई, तो रोबोट सा बन गया भाई कोई। अच्छा इसका ये धड़ था भाई, इसके पैर अलग थे और वही धड़ था भाई, क्या ये भाई ट्रांसफॉर्मेशन था यार ये तो। एंड भाई इसकी स्पीड क्या अब बढ़ जाएगी ज़्यादा, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं गाइस इसकी स्पीड तो उतनी ही है। वेल मेरे को लग रहा है कि एक बार इसको हमें जंप करके भी देखना चाहिए। अरे भाई साहब, वेल गाइस मैंने यहाँ जंप करने के बाद एक बार सोचा अपार्टमेंट में क्यों ना जंप करा जाए, एंड जैसे ही मैंने अपार्टमेंट जंप किया भाई इसने एक छलांग अपार्टमेंट को पार कर दिया यार। आई मीन लिटरली भाई ये अपार्टमेंट्स को तो भाई माचिस का डब्बा समझ रहा है, एंड ये एक छलांग में आप कहीं भी चढ़ सकते हो भाई इसमें। और सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग की एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई भी कैंपर हो, किसी भी खिड़की पे हो, किसी भी फ्लोर पे हो, आप इससे ईजिली स्पॉट्स कर सकते हो गाइज। यहाँ पर भाई विजिबिलिटी आप देखो कितनी तगड़ी है भाई, अब कैंपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपार्टमेंट में लोगों के लिए। अगर आपके पास ये व्हीकल है तो आप बहुत आसानी से ईजिली आप एनिमीज़ को ढूंढ सकते हो और उनको मार सकते हो गाइज, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं भाई इन व्हीकल्स के पावर की। जी हाँ गाइज यहाँ पर मेरे सामने था एक एनिमी एंड मैं उस पर एम करता हूँ, एंड एम करने के बाद उस पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसा कुछ होता है एंड उसको करंट लगने लगता है और वो ऊपर हवा में उड़ने लगता है। वेल गाइज यहाँ पर ये गन बिल्कुल नहीं चला पाएगा अगर आपने एनिमीज को ऊपर रख रखा है। वेल मेरे को ये ज़्यादा काफ़ी फनी लगा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि लोग इसको ज़्यादा ट्रोलिंग के हिसाब से यूज़ करने वाले हैं, एंड मैंने जैसे उस पर क्लिक किया उसने उसको उठा के फेंक दिया भाई ऊपर की तरफ।
इस पे तो भाई मेरे को लग रहा है ज़्यादातर फ़नी मीम्स बनेंगे एंड साथ के साथ फ़नी कंटेंट्स बनने वाले हैं। तो मैं इसको जब नीचे ज़मीन पे करके करता हूँ, ज़मीन से भाई एक लोहे का पार्ट कुछ बाहर आता है एंड मैं जब इसको उठा के फेंकता हूँ बाहर की तरफ, भाई जैसे ही उठा के फेंकता हूँ इसमें देखना एक धमाका सा होगा एंड ये एनिमीज़ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने वाला है। वेल ये भी आप कर सकते हो। अब मेरा ट्रोलिंग से मन नहीं भरा था तो मैं सोचता हूँ इसको आगे की तरफ लेता हुआ चले जाऊँ, बट ऐसा नहीं हुआ, वो छूट गया मेरी पकड़ से। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो एम था, जो क्रॉस एयर था, वो उसके ऊपर नहीं था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसके ऊपर ही रखना। दोस्तों अब आ रही है भाई अपने दूसरे व्हीकल के पावर की। वेल यहाँ पर मिनी जोन हम बनाने वाले हैं भाई, रेड जोन। अब देखते हैं क्या ये एक बार में नॉक फिनिश हो पाएगा या नॉक हो पाएगा। यहाँ पर मैंने मिसाइल छोड़ दिया गाइस एंड भाई ये क्या, ये तो नॉक ही नहीं हुआ। कोई नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं गाइस। दूसरे ट्राई में क्या ये नॉक हो पाएगा? जी हाँ दोस्तों, आपको मिनिमम 2 मिनी रेड जोन लगेंगे अगर आपको किसी एनिमीज़ को मारना है तो, और उसकी हेल्थ अगर फुल है। वेल उसकी हेल्थ कम है तो आप इजीली उसको एक में ही मार सकते हो, बट 2 आपको मिनिमम लगेंगे अगर हेल्थ फुल है तो। अब यहाँ पर इसकी पावर अभी तक ख़त्म नहीं हुई गाइस। ये गाड़ी को एक माचिस के डब्बे की तरह उठा रहा है एंड भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भाई वो गाड़ी को गाड़ी समझ ही नहीं रहा। जब हम बचपन में देखते थे एक गाड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन होता था, गाड़ी रोबोट में बदल जाती थी, मेरे को वही फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पर। दोस्तों अब भाई वापस अपने इवेंट पे आ जाते हैं एंड इवेंट पे आपको 2 हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे। वेल यहाँ पर कोई ड्राइव का ऑप्शन नहीं आएगा, मैंने दोनों साइड जाके देखा, यहाँ पर कोई ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ गेटिंग ऑप्शन आ रहा है एंड मैंने जैसे ही गेटिंग किया यहाँ पर लिफ्ट ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। अब आप सोच रहे हो यार जब हम ड्राइव ही नहीं कर सकते तो इसका फ़ायदा क्या है? वेल गाइस इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भाई। ये आप एक तरह से आप समझ लीजिए आपका ये इमरजेंसी पिकअप है। जी हाँ गाइज, ये आपको ऊपर ले जाएगा एंड आपको ये जोन के अंदर ले जाएगा गाइज एंड ये आगे तक आपको ले जाएगा जब तक आप खुद पर्सनली इसको एग्जिट नहीं करते। ये आपको आगे ले जाता रहेगा एक प्लेन पाथ पे, एक लाइन की सीध में, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे मैप में, ये इसी लाइन में सीधा सीधा चलता रहेगा एंड जब तक आप खुद से पर्सनली एग्जिट नहीं करोगे ये आपको नहीं गिराएगा गाइस। तो इससे आप इजीली कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो अगर आप इवेंट पे हो तो। दोस्तों फाइनली हम आ जाते हैं भाई अपने दूसरे इवेंट पे, पाने पे, जो कि लाल रंग का है गाइस एंड इस इवेंट पे आने के बाद भाई मैं हर किसी पे फायर कर रहा होता हूँ, हर ऑब्स्टिकल्स पे, कि शायद किसी से कुछ होगा एंड ये देखो गाइस भाई एकदम से क्या ही एक्सप्लोजन होता है एंड मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा हो जाती है। वेल गाइस ये आप लोग खुद पे तो ट्राई बिल्कुल भी मत कर लेना, एनिमीज पे करना गाइस एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि, अरे ये क्या है भाई, ये ग्रीन ग्रीन क्या है? अरे भाई साहब स्मोक हो गया। तो भाई यहाँ पर एक ग्रेनेड पावर है और एक स्मोक पावर है। अब मेरे को समझ आ चुका है गाइस, ये एक ग्रेनेड पावर है, एक स्मोक पावर है इस इवेंट के ऊपर, जो कि आप अपने स्ट्रेटजिक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। वेल गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अरे यहाँ पर क्या है भाई, ये कॉल एलिवेटर, भाई एलिवेटर ही नहीं है, किसको कॉल करें भाई? आई थिंक ये धीरे धीरे अपडेट्स में ले आएंगे एलिवेटर। तो यहाँ पर एक आपको एलिवेटर देखने को मिलेगी जो कि हम काफ़ी पहले एक्सप्लोर कर ले रहे हैं चीज़, तो इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे एलिवेटर मिसिंग मिली हमें एंड यहाँ पर छत पे आने के बाद यहाँ में ओपन का ऑप्शन आ रहा है। वेल ओपन करके देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। क्रेट इन्फॉर्मेशन मार्क्ड, क्या करेट है भाई मैप में देखा जाए? ओके तो भाई ये करेट्स है भाई यहाँ पर। वेल ये करेट्स क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो को, तभी आपको समझ आएगा गाइज। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब आ रही है भाई अपनी पावर यूज़ करने की, जिसका नाम है मैग्नेट गन। तो इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। यहाँ पर जो आप रोबोट देख रहे हो, पहले तो आप इसको देखो, मैं इसको अपनी तरफ कैसे खींचता हूँ गाइज। ये देखो भाई कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई ये, एंड ये बड़ा ही रोबोट नहीं, चाहे किसी भी तरीके का लोहे का सामान है, चाहे वो रोबोट हो चाहे वो कार हो, आप उसको अपनी तरफ खींच सकते हो गाइस, फिर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा रोबोट हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मैग्नेटिक होना चाहिए गाइस। एंड यहाँ पर खाली एनिमीज ही आपको ट्रोल नहीं कर सकते, जैसे अपनी पावर यूज़ करके आप लोग भी उनको ट्रोल कर सकते हो अगर वो रोबोट बने हुए तो। वेल इसका हम एक डिस्टेंस नाप लेते हैं कि कितने डिस्टेंस तक ये काम करेगा एंड यहाँ पर मैं इसको मार्क लगा देता हूँ गाइस। Marked a vehicle. मार्क लगाया है इसको, इसका मार्क आ चुका है 40 मीटर, तो आप इसको हाईएस्ट 40 मीटर तक ही यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वेल यहाँ पर मैं आपको गाड़ी का भी दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस आप गाड़ी को भी इजीली उठा सकते हो, अगर कोई एनिमी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है या गाड़ी में बैठा हुआ उसको उठा के आप वैसे फेंक सकते हो एंड ये कितने डिस्टेंस तक जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जाने वाला है 73 मीटर तक, 75 मीटर तक लास्ट जाएगा इससे। दोस्तों कैसा लगा आपको ये मोड, मेरे को कमेंट में प्लीज़ जरूर बताना एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज।
कल को आने वाली है एक नई एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव पावर्स में हम बात करेंगे ओनली इंपॉर्टेंट भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा आपको उस वीडियो में देखने में। तो गाइस चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।